वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बैंकिंग केवल बैंकों से नहीं चलती, उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट हैं जो मिलके बैंकिंग को चलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, आपस में बातचीत करके खूब सारे नाम लिखने की कोशिश करेंगे, बेसिक बेसिक बातें भी बताते जाऊँगा। तो जैसे बैंकिंग के लिए सबसे पहले तो कौन से हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, बैंक्स हो जाते हैं। लेकिन बैंक्स में कैटेगरी हम कर लेते हैं, जैसे कौन से बैंक, नेशनलाइज या सो कॉल्ड सरकारी बैंक, ठीक है, और कौन से बैंक, प्राइवेट बैंक, इसी के साथ फॉरेन बैंक, इसी के साथ कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और इसी के साथ, हाँ एक मिनट, एलएबी, एलएबी की फुल फॉर्म बता सकते हो, लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी, नहीं आरआरबी लोकल एरिया बैंक में नहीं आते, आरआरबी का अलग कैटेगरी है, मैं इसमें लिख देता हूँ। ये नेशनलाइज में जो है ना, एक तो हो गया नेशनल वाले और आरआरबी, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। लोकल एरिया बैंक में आता है जैसे कूर्मांचल का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो छोटे नैनीताल बैंक भी लोकल एरिया बैंक में आता है, धनलक्ष्मी बैंक और साउथ ऑफ बहुत बैंक है, ठीक, तालबोरा, ठीक है। तो क्रेडिट सोसाइटी क्या है, तो ये तो बैंकों के रूप में हो गई। अच्छा, अब इनके साथ आते हैं एमएफआई, क्या आते हैं, नहीं माइक्रो फाइनेंशियल, एमएफआई का मतलब क्या है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते, इनको भी, और ये भी थोड़ा बैंक की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन जुड़े हुए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, और बैंकों से कौन लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो सेबी जुड़ा हुआ है, सेबी किन कामों में जुड़ा हुआ है, जो बैंकों में शेयर्स, अपने शेयर्स होते हैं उन पे रेगुलेशन की बात आती है, तो फिर किसकी कौन करता है, सेबी जो है, देखो बैंक क्या है, एक कंपनी है, वो कंपनी में शेयर्स होते हैं और कंपनी की एक कैपिटल होती है, तो जहाँ भी कैपिटल का नाम आ गया और कैपिटल से रेगुलर, कैपिटल के रूल रेगुलेशन की बात आई, तो उसको शेयर मार्केट की तरह कंट्रोल करने का काम फिर सेबी करेगी, क्योंकि बैंक एक कंपनी है, उसने बताया ना, बैंक एक बैंकिंग कंपनी, बैंक एक कंपनी तो है लेकिन कैसी है, बैंकिंग कंपनी, ठीक है। अच्छा, और बताइए, आरबीआई, तो इनका सबका वो हो ही गया, आरबीआई तो बॉस हो गया ना इनका, आरबीआई तो बॉस हो गया, बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड, देखो सुनो, अब देखो खूब सारे नाम निकल के आ रहे हैं, नाबार्ड और सिडबी, वेरी गुड, एनएचबी और बोलिए आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक नहीं, आईडीबीआई अलग ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआईसीआई बैंक नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, आईएफसी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी और बोलिए ब्रिक्स बैंक, ब्रिक बैंक, एआईआईबी, हाँ इसका नाम है, एनडीबी है ना, नेशनल, एनडीबी ब्रिक बैंक का ही तो नाम है, हाँ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और बताइए क्या जी, इंस्टीट्यूशन बैंकिंग, चलो मेरे को नाम सुना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और लिखना चाहूँ, क्या ये रिलेटेड है बैंक से, पोस्ट ऑफिस, कई तरह से लिंक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करता है बैंक, लोन देता है, एनएससी वगैरह पे लोन देता है, ठीक है। अच्छा, आजकल एक पेमेंट्स बैंक्स का नाम आ गया है बहुत बड़ा, पेमेंट बैंक, और ई कॉमर्स कंपनियाँ अमेजन वगैरह, इनका पैसा उसमें आता है, ठीक है, वॉलेट वगैरह में, आईलैंड, एफएसबी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज,
सर अच्छा वो जो जो दिवालिया हो, हाँ डिफो जो दिवालिया, IL FS इंफ्रास्ट्रक्चर, IL FS जिसका अभी दिवालियापन हो रहा ना, इसमें IL FS में किसकी वो थी शेयर होल्डिंग? IDBI की थी या LIC की थी? हाँ किसी की थी ना इसमें शेयर होल्डिंग, IFL IDBI की थी शायद, हाँ तो वो उसमें हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे वो होते हैं हुडको, सुना हुडको? एडा इंश्योरेंस में इसलिए आएगा कि भाई इंश्योरेंस का काम भी आजकल बैंकों में हो रहे हैं। IRDAI इसकी फुल फॉर्म है, IRDAI भी जुड़ गया है, एडाई में क्या है आई भी जुड़ गया है, ठीक आई जुड़ गया, हाँ इंडिया पहले नहीं था ये। और इसमें दो तीन जरा बात कर लेता हूँ, सिडबी का हेडक्वार्टर बता सकते हो कहाँ पे? ये पूछा जाता है खूब, लखनऊ में है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। IRDAI का हेडक्वार्टर नहीं, हैदराबाद IRDAI का, हाँ पक्का देख लो, ये कह रहे हैं चेंज हो गया, मुझे अपडेशन नहीं है लेकिन मेरे को तो अभी तक जो लास्ट जानकारी थी IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इनके हेडक्वार्टर, इनके चीफ कौन है करंट न्यूज़ में, हाँ जो चेंज हो रहे हैं, और आपको पता ही लग गया है कि ये नाम कहीं पे भी आएगा तो उसके हैदराबादी है ना, तो हैदराबादी बता रहे हैं, देखो अभी कोई सेमिनार वगैरह हुई हो क्या, ठीक हो गया। तो ये हमारे थे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे वो होते हैं। अच्छा इन सब के साथ कुछ ऐसे नाम भी हैं जो बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल हाँ बहुत सही बैंक है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक EXIM, ठीक है। और इसके साथ मैं एक नाम और लिख रहा हूँ AD, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AD ऑथोराइज्ड डीलर, AD का मतलब है ऑथोराइज्ड डीलर, काहे के ऑथोराइज्ड डीलर, मारुति के बैंकिंग की बात हो रही है, कौन फिर? नहीं मर्चेंट बैंकर एक डिफरेंट, मर्चेंट बैंकर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, तो थोड़ा सा है कहीं ना कहीं बैंकों से जुड़े होते हैं लेकिन ये बैंकों जैसे नहीं होते हैं, अभी बताया था ना मर्चेंट बैंकर बैंकों से जुड़े होते हैं, जुड़े क्यों होते हैं क्योंकि किसी कंपनी का पैसा आना है ट्रांसफ़र होना है, ये मीडिएटर इंटरमीडिएट से काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ AD ऑथराइज डीलर है फॉरेक्स का, किसका भाई? आपने सुना होगा कि कहीं पे डॉलर बदले जाते हैं लिखा हुआ है, तो अगर लिखा हुआ है तो दे आर ऑथराइज डीलर, दे आर जो फॉरेन एक करेंसी के ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑथराइज है, जो गोल्ड स्मिथ सुनार की दुकान होता है लिखा था यहाँ डॉलर बदले जाते हैं, इसका मतलब दे हैव टेकन द लाइसेंस फ्रॉम RBI, दे आर नोन एज ऑथराइज डीलर, हाँ उन्होंने लाइसेंस ले रखा है कि भाई हम इतने तक की करेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऑथराइज डीलर। एक आता PD प्राइमरी डीलर, ये भी बैंकों से जुड़े होते हैं, ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो डीलिंग करते हैं, क्या करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मतलब ये है कि जो सरकार अपनी सिक्योरिटी सेल करती है ना पब्लिक को, ट्रेजरी बिल वगैरह वगैरह, तो वो पब्लिक को नहीं करती, इनको बल्क में कर देती है, किनको? प्राइमरी डीलर को बल्क में कर देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो बैंक भी डील करते हैं, कौन? बैंक्स और RBI, हाँ हाँ दोनों करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पहले जो देती है गवर्नमेंट वो इनको देती है, ये रिटेल करते हैं उसको, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि जब आप किसी को शेयर के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको उसकी होनी चाहिए, ठीक है। और इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कंपनीज, हाँ ARC, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो जब हम सरफेसी की बात कर रहे थे ना, तो सरफेसी में ये बात मेरे से थोड़ी मिस हो गई, क्या उसमें जो लोन की रिकवरी और उसको लोन को ठीक करने का काम करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है जैसे मकान का रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, टूट फूट थोड़ा रिपेयर करना, तो ऐसे एसेट को हमने बताया था लोन्स, लोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। और वो एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन करना मतलब वो खराब लोन को थोड़ा क्या कर देना, ठीक वगैरह कर देना,
क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये जो है सरफेसी, जो है सरफेसी क्या करती है, सरफेसी में इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेके बैंक अपनी रिकवरी कराते हैं, ठीक है। और बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरेंस बोल दिया, एक्सिम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो एक्सिस, बिल्कुल प्राइवेट बैंक है वो, एक्सिस बिल्कुल प्राइवेट बैंक है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आपको कैसे ही लगता है कि ये उससे जुड़ा हुआ है बैंकों से, कहीं से भी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वो उसी में, मतलब इंश्योरेंस के अंदर, वो कभी इंश्योरेंस क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे। और कुछ, मेरे ख्याल से इतने ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आमतौर पर हमारी चर्चा में रहते हैं। और इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जुड़ा, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अलग अलग चीज़ है, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट की बॉडी है। इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल काम करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। पुलिस स्टेशन भी है, सोसाइटी भी है, एनजीओ भी है, कॉलोनी भी है, मोहल्ला भी है, आदमी भी है, कंपनी भी है, सब है वो तो, ठीक है। थोड़ा सा जिस, अच्छा ये जितने यहाँ लिखे हैं ना, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यानी ईयर, हेडक्वार्टर और प्रेजेंट वो क्या है, और क्यों न्यूज़ में, बस केवल चार चीज़ें। आम तौर पे भी अभी आपके एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस में ये नहीं आता है कब इस्टेब्लिश हो रहा, नहीं आता आमतौर पर। हेडक्वार्टर आ जाते हैं, अभी न्यूज़ में क्यों था और कौन वहाँ पे चेंज हुआ है। हाँ चेयरमैन वगैरह तो रिसेंट वाले तो तीन से चार महीने में जो हुआ होता है वो तो पूछ ही लेता है, मतलब 10 दिन 7 दिन पहले तक का पूछ लेता है, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन बनाना होता है। शाम को अरे जरा एक क्वेश्चन और डाल लेना, कल सामने आ गया आपके। और कई बार क्या होता है, अनाउंसमेंट पहले हो जाते हैं कि अब अगले गवर्नर ये होंगे, वो अपना कार्य 1 नवंबर से संभालेंगे, तो डिसाइड तो हो गया ना, तो गेम्स में होते हैं कहाँ होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमारे बैंकिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक।